हेलो पीपल होप यूल आर वेल आज हम लोग चैप्टर ट्वेंटी थ्री का पार्ट बी डिस्कस करेंगे जो कि सेक्शन टू एट्टी फोर से टू नाइन तक है तो सबसे पहले तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हमारे सीआरबीसी में कितनी तरीके से किया जाता है वो देखते हैं तो सबसे पहले तो विटनेस को बुलाया जाता है समन्स के द्वारा या फिर दूसरा तरीका होता है कमीशन को इशू करना या फिर ऑन एफिडेविट तो ये जो कमीशन को इशू करने वाला तरीका है और ये एफिडेविट पर जो वे है ये हमारे चैप्टर से 299 तक हमें बताया हुआ है सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन टू एट्टी फोर विच को आखिर में इशू कब किया जाएगा ये हमें सेक्शन टू एट्टी फोर में बताया है तो देखो दो चीजें हैं एक है मे एक है शैल तो मे यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिप्सन पर है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस सो कमीशन कैन बी इशूड अगर मे वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं तो अगर विटनेस का एग्जामिनेशन करना है और वो नेसेसरी है फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस तो कोर्ट जो है मे इशू कर सकती है कमीशन अटेंडेंस ऑफ विटनेस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट डीले एक्सपेंस और इनकन्वीनियंस या फिर हमें ऐसा लग रहा है मतलब कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि विटनेस की जो अटेंडेंस है उसे हम प्रोक्योर नहीं कर सकते बिना डीले के बिना एक्सपेंस के या बिना किसी कन्वीनियंस के मतलब कि अगर हमने उसे कमीशन इशू नहीं किया तो उसके उसकी प्रेजेंस को हम इंश्योर नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा देर हो जाएगी बहुत सारा पैसा लग सकता है और इनकन्वीनियंस का मतलब है कि इनकन्वीनियंस होगा पार्टीज को ठीक है फिर उसके बाद है कि शाल वाले पॉइंट में तो अगर एग्जामिन करना है प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट को गवर्नर ऑफ स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी को और अगर ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं तो हमें कमीशन ही इशू करना पड़ेगा ये इसने बताया है नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ द जस्टिस और यहाँ पर जो एक्सपेंसिस पे किए जाते हैं वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा किए जाते हैं तो ये हमें सेक्शन टू में बताया है फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 285 पे तो सेक्शन 285 हमें बताता है कि कमीशन किसको इश्यू किया जाएगा सो डायरेक्ट डायरेक्टेड टू वे सीआरपीसी अगर सीआरपीसी वहां तक एक्सटेंड कर रही है तो वहां के CGM या सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जहां पर विटनेस हमें मिलता है ठीक है और अगर वहां पर सीआरपीसी एक्सटेंड नहीं कर रही है लेकिन वो जो प्लेस है वो इन इंडिया है और या फिर आउटसाइड इंडिया भी है तो कोर्ट या ऑफिसर जिसको भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसको इश्यू किया जाएगा एक बार इसे पढ़ लेते हैं सेक्शन 285 सबसेक्शन फाइव सब सेक्शन द विटनेस इज विद इन द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड अगर विटनेस इन टेरिट्रीज के अंदर है जहां पर हमारा सी आर पी सी एक्सटेंड करता है चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और दीफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो या तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को जाएगा या तो चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को जाएगा जैसा भी केस हो विद इन लोकल जुरिस्टिक्शन द विटनेस टू बी फाउंड जिनके लोकल जुरिस्टिक्शन में हमारा विटनेस हमें मिलेगा फिर उसके बाद सबसेक्शन टू से विटनेस इज विद इन इंडिया अगर वो इंडिया के अंदर है बट इन अ स्टेट और इन एरिया टू विच दिस कोड डू नॉट एक्सटेंड डज नॉट एक्सटेंड अगर वो इंडिया में तो है लेकिन इस यहाँ पर जो कोड है वो एक्सटेंड नहीं करता वहां तक द कमीशन शैल बी डायरेक्टेड टू सच कोर्ट और ऑफिसर एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ तो फिर उसके बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी कोर्ट को या ऑफिसर को नोटिफाई करेगी वो कमीशन इशू करेंगे तो यही सेम चीज हमारे आउटसाइड इंडिया के साथ भी अप्लाई हो। फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 289 सेक्शन 289 एडजर्नमेंट के बारे में बात करता है एडजर्नमेंट का क्या मतलब है कि आगे की डेट मिल गई है आगे की डेट मिल गई है कोर्ट में कोर्ट ने जो अपनी प्रोसीडिंग है वो अभी फ्यूचर डेट के लिए एडजर्न कर दिया है या रोक दी है ठीक है

अब देखो सेक्शन टू एटी सिक्स में बताया है कि कमीशन एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाएगा तो समन किया जाएगा विटनेस को टू अपेयर बिफोर इट और प्रोसीड टू अ प्लेस वेयर विटनेसेस तो यहाँ पर क्या है या तो आप विटनेस को बुला लें कोर्ट में या फिर आप खुद जो है वहां पर जाए जहां पर विटनेस है तो ये भी एक प्रावधान होता है कि आप जो है खुद भी जा, जा सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो एविडेंस लिया जाता है वो इन द मैनर ऑफ वारंट केस लिया जाता है आई एम रियली सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से हो सकता है आवाज थोड़ी सी लग रही हो ओके कमिंग बैक सेक्शन 287 एट्टी सेवन टॉक्स अबाउट कैन पार्टी एग्जामिन विटनेस तो इसका आंसर है हाँ पार्टी जो है वो विटनेस को एग्जामिन कर सकती है ठीक है सेक्शन 287 हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं सबसेक्शन वन सेज द पार्टीज टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट इन विच अ कमीशन इज इशूड में रिस्पेक्टिवली फॉरवर्ड एनी इंटरोगेटरीज इन राइटिंग विच द कोर्ट और मैजिस्ट्रेट डायरेक्टिंग द कमीशन में थिंक रेलिवेंट टू द इशू ठीक है फॉरवर्ड करेंगे क्या इंटेरोगेटरीज किस को राइटिंग में फॉरवर्ड करेंगे कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को इंटेरोगेट्रीज लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होती हैं ठीक है थीके? And it shall be lawful for the magistrate, court or officer to whom the commission is directed or to whom the duty of executing it is delegated, to examine the witness upon such interrogatories. और फिर उसके बाद जो है जिसको भी कोर्ट को दिया गया है, जिसको भी कमीशन वगैरह करना है, उसकी ड्यूटी बन जाती है। फिर उसके बाद है, any such party may appear before such magistrate. कोई भी पार्टी जो है मजिस्ट्रेट के सामने अपेयर करेगी कोर्ट और ऑफिसर बाय प्लीडर और इफ नॉट इन कस्टडी और अगर कस्टडी में नहीं है इन पर्सन ठीक है या अगर कस्टडी में है तो प्लीडर के साथ और अगर कस्टडी में नहीं है तो फिर इन पर्सन अपेयर करेगी एंड मे एग्जामिन क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन एज द केस में तो उसके बाद जो है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं एग्जामिन कर सकते हैं या री एग्जामिन कर सकते हैं जैसा भी वो करना चाहे फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 288 सेक्शन 288 हमें बताता है रिटर्न ऑफ कमीशन के बारे में कि अगर कमीशन रिटर्न हो गया है तो क्या है तो सब सेक्शन 1 सेज आफ्टर एनी कमीशन इशूड अंडर सेक्शन 284 हमने कोई भी कमीशन अगर अंडर सेक्शन 284 इशू किया है एंड इट हैज बीन ड्यूली एग्जीक्यूटेड उसको ड्यूली एग्जीक्यूट भी कर दिया गया है इट शैल बी रिटर्न तो फिर वो वापस आ जाएगा टुगेदर विद द डिपोजिशन ऑफ द विटनेस

हमने किसी भी पर्सन को पर्सन विटनेस तो नहीं विटनेस तो नहीं बुलाया है बट उसका एविडेंस हमने रिसीव किया है है तो सेक्शन सेक्शन डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस देखो इसका सब कहता है, हम ले रहे हैं किसका सिविल सर्जन का या फिर किसी दूसरे मेडिकल विटनेस का उसको हम ले सकते हैं मतलब उनका डिपोजिशन लिया जा सकता है और अटेस्ट किया जा सकता है किसके द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा, द्वारा. किसकी प्रेजेंस में अक्यूज के प्रेजेंस में और टेकन ऑन कमीशन अंडर दिस चैप्टर या फिर हम इनको अंडर कमीशन भी ले सकते हैं मे बी गिवन इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट ऑल डिपोनेंट इज नॉट कॉल्ड एज विटनेस भले ही हमने उस डिपोनेंट को एज ए विटनेस नहीं बुलाया बट फिर भी एविडेंस रिसीव किया जा सकता है ठीक है सबसेक्शन टू से कोर्ट में इफ इट थिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और अगर देखो यहाँ पर इफ इट थिंग्स फिट भी लिखा है और अगर कोर्ट को ऐसा फिट लगता है अगर कोर्ट ऐसा चाहते अपने डिस्क्रिप्शन पर तो फिर शैल भी पॉइंट है तो फिर मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर एप्लीकेशन लगाया है प्रोसिक्यूशन या फिर अक्यूज ने तो उस डिपोनेंट को जो की एज ए मेडिकल एज ए मेडिकल विटनेस नहीं बुलाया गया है

और प्रॉपर्टी में बी यूज एज एन एविडेंस इन इंक्वायरी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक रिपोर्ट की तरह है ठीक है और जिसको आइडेंटिफाई किसने किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने जिसको आइडेंटिफाई किसने किया है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने आइडेंटिफाई किया है तो उनका जो ये है वो एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कुछ भी है पर्सन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इसे हम एज एन एविडेंस दे सकते हैं भले ही उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोर्ट में अ विटनेस नहीं बुलाया प्रोवाइडेड दैट वेयर सच रिपोर्ट कंटेन्समेंट ऑफ एनी सस्पेक्ट और विटनेस टू विच द बी ऑफ सेक्शन एविडेंस एक्ट अप्लाई सच स्टेटमेंट शेल नॉट बी यूजर दिस अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है इन सारे सेक्शंस के अंदर तो वो जो है इस के अंडर यूज नहीं किया जाएगा ठीक है सबसे कोर्ट में इफ इट थिंग शेर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशनिन सच मेजिस्ट्रेट वही सेम चीज है जो हमने टू में पढ़ी कि अगर कोर्ट चाहे और एप्लीकेशन पर किसकी या एप्लीकेशन पर जो है इनको भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी विटनेस बुलाया जा सकता है कोर्ट में। फिर है हमारे पास सेक्शन टू नाइनटी टू सेक्शन टू नाइनटी टू ऑफ ऑफिसर ऑफ मिंट मिंट क्या होता है, ये जगह है जहां पर नोट्स को प्रिंट किया जाता है उसे हम लोग मिंट कहते हैं ठीक है तो इसमें भी वही सेम चीज है और ये डिविजन ऑफ एफ <laughs> एस एल एफ एस एल मतलब की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तो इनका भी जो है एविडेंस मतलब इनका भी कोई भी चीज एज एन डॉक्यूमेंट वगैरह जो इन्होंने दिया है वो एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है ये हमें सेक्शन टू नाइनटी टू में बताया

स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द सेरोजिस्ट टू द गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट स्पेसिफाइड बाई नोटिफिकेशन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस या फिर इनके अलावा कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी ऑफिसर को बता किसी भी एक्सपर्ट को साइंटिफिक एक्सपर्ट एज अ एज अ साइंटिफिक एक्सपर्ट बताया है तो उनका भी जो है एविडेंस लिया जा सकता है लेकिन अगर ये सारे ऑफिसर्स प्रेजेंट नहीं है तो वो किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को डिप्यूट कर सकते हैं ठीक है वो किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर को डिप्यूट कर देंगे फिर है हमारे पास सेक्शन टू नाइंटी फोर सेक्शन टू नाइनटी फोर से नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे सर्टन डॉक्यूमेंट हैं जिनका हमें फॉर्मल प्रूफ देने की जरूरत नहीं है सब सेक्शन वन एनी डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बिफोर एनी कोर्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द द अक्यूज पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सच डॉक्यूमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन अ लिस्ट उनके सारे पर्टिकुलर्स जो है एक लिस्ट में इंक्लूड किए जाएंगे एंड प्रोसिक्यूशन और द द द एज केस मे बी और प्लीडर फॉर द प्रोसिक्यूशन और द इफ एनी शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एडमिट और डिनाई दिन जेन ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ऑफ सच डॉक्यूमेंट ठीक है और अगर जो है कोई प्लीडर है उनका तो ठीक है नहीं तो फिर जो अक्यूज या प्रोसिक्यूशन है जिन्होंने फाइल किया है उनको भी बुलाया जा उनको बुलाया जाएगा किस लिए

एविडेंस यूज किया जाएगा ठीक है इन इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट विदाउट प्रूफ ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन टू हूम इट पर्पाइड विदाउट प्रूफ जिसका हमें साइन चाहिए था जिसका हमें साइन चाहिए था अगर उसका साइन नहीं है तो भी चलेगा अगर जनविन उसकी डिस्प्यूटेड नहीं है तो ठीक है कोर्ट का देखो यहाँ पर प्रोवाइडेड भी है कि कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि क्या वो चाहती है रिक्वायर है अगर उसको प्रूव करना तो फिर कोर्ट अगर कहेगी तो फिर तो करना ही पड़ेगा ठीक है फिर है हमारे पास एफिडेविट वाला सेगमेंट एफिडेविट जो है सेक्शन टू फाइव में सबसे पहले बताया हुआ है एफिडेविट इन प्रूफ ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट तो वेन एनी एप्लीकेशन इज मेड टू एनी कोर्ट इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल अदर प्रोसीडिंग अंडर दिसगेशन आर मेड देर इन रिस्पेक्टिंग एनी पब्लिक सर्वेंट द एप्लीकेट मे गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स एलेज्लिकविट तो जो भी एप्लीकेशन पर जो भी एलिगेशन उसके ऊपर लगाए गए हैं वो एविडेंस दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट ठीक है एंड द कोर्ट मे फिट थिंग्स फिट ऑर्डर दैट एविडेंस रिलेटिंग टू सच फैक्ट्स बी सो गिव फिर तो उसके बाद है हमारे पास सेक्शन टू नाइनटी सिक्स सेक्शन टू नाइनटी सिक्स एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट तो सब सेक्शन सबसे एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हुज एविडेंस इज ऑफ अ फॉर्मल कैरेक्टर अगर किसी पर्सन का एविडेंस जो है फॉर्मल कैरेक्टर का एविडेंस है मे बी गिवन बाई एफिडेविट तो वो एफिडेविट के द्वारा दे सकते हैं एंड वे सब्जेक्ट टू ऑल जस्ट एक्सेप्शन और जो भी एक्सेप्शन है या फिर एप्लीकेशन लगा दी गई है प्रोसिक्यूशन या के द्वारा फिर हमारे पास सेक्शन टू नाइन सेवन सेक्शन टू नाइन सेवन हमें कि किसके आगे जो है एफिडेविट को स्वर्न करना है तो जज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ठीक है कमिश्नर ऑफ ओथ जो कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन हमें बताएगी मतलब ज, बताएगी क्या जिन्होंने अपॉइंट किया है मतलब दिस एनी कमिश्नर ऑफ ओथ अपॉइंटेड बाय अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ठीक है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ने जिन्हें अपॉइंट किया है फिर उसके बाद नोटरी अंडर नोटरीज एक्ट नाइनटीन और अगर ये पता चलता है कि ये जो एफिडेविट है ये स्कैंडस है या इरेवेंट है तो उनको स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा या फिर एमेंड करने को कहा जा सकता है फिर हमारे पास सेक्शन टू नाइन सेक्शन टू नाइन कहता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एबसेंस ऑफ अक्यूज सेक्शन टू नाइन एविडेंस इन एबसेंस ऑफ अक्यूज हम कब एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं जब अक्यूज प्रेजेंट नहीं है वो एबसेंट है सो so, या तो अक्यूज एप्स कर गया है या फिर कोई इमीडिएट प्रोस्पेक्ट नहीं है मतलब कि कोई ऐसा आ, हम इमीडिएटली उसे जो है अरेस्ट नहीं करवा सकते हैं वो यहाँ पे मतलब है नहीं है जो भी कुछ है इमीडिएटली हम उसका जो अरेस्ट है वो इफेक्ट में नहीं ला सकते देन कोर्ट कैन एग्जामिन विटनेस इन एबसेंट ऑफ इन एबसेंस ऑफ अक्यूज और कोर्ट जो है फिर उसके बाद क्या करेगी एग्जामिन करेगी विटनेस को

प्रोड्यूसड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है एग्जामिन किया जाएगा विटनेस को जो कि प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पर जिन्हें लाया गया है एंड रिकॉर्ड देर डिस्पोजिशंस एंड एनी सच डिस्पोजिशन मे ऑन द अरेस्ट ऑफ सच पर्सन बी गिवन इन एविडेंस तो रिकॉर्ड कर लेंगे दे, जाएंगी लेकिन वो जो डिपोजिशंस हैं वो पर्सन के अरेस्ट होने के बाद एज एन एविडेंस जो है रखी जाएंगी ठीक है एज एन एविडेंस दी जाएंगी अगेंस्ट हिम ऑन द इंक्वायरी इनटू और ट्रायल फॉर द ऑफेंस विद विच ही इज इफ द डिपोनेंट इज अगर और अगर वो डिपोनेंट डेड है इनकेपेबल है ऑफ गिविंग एविडेंस और कैन नॉट बी फाउंड और इस प्रेजेंस कैन नॉट बी प्रोक्योर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डीले ठीक है एक्सपेंस और इनकनवीनियंस विच अंडर द सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस वुड बी अनरीजनेबल ठीक है तो ये सारी बातें हैं हमारे सेक्शन टू नाइन नाइन में अभी एक हमारा सब सेक्शन और बचा है कि अगर जो है ऑफेंस पनिशेबल है बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट ठीक है अगर वो जो हमारा ऑफेंस पनिशेबल है बाय डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट पढ़ लेते हैं एक बार सो इफ इट अपेयर विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हैज बीन कमिटेड बाय सम पर्सन और एक ऐसे पर्सन ने कमेंट किया है जो कि अनोन है द हाई कोर्ट और सेशन जज में डायरेक्ट दैट एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन एग्जामिन एनी विटनेस तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट या सेशन जज जो है डायरेक्ट कर सकते हैं जेएमएफसी को

इनक्वायरी होल्ड करिए और एग्जामिन करिए उस विटनेस को उसके बाद वो जो भी एविडेंस देगा उसके जो भी डिपोजिशंस होंगे वो एज एन एविडेंस यूज किए जाएंगे जो भी पर्सन उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी पर्सन जो है आगे सेक्वेेंटली हम जिसको चार्ज करेंगे उस ऑफेंस के लिए इफ द डिपोनेंट इज डेड और इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और द बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया ठीक है फिर है हमारे पास

by any extract certified under the hand of officer having the custody of the records of the court in which such conviction or acquittal was held to be a copy of the evidence sorry copy of the sentence or order dekho uh, अ hand of the officer का मतलब है कि उसके द्वारा लिखा गया है ठीक है और कोई भी ऐसा extract है जो कि certified है उस officer के द्वारा जिसके पास custody है किस चीज की कोर्ट के रिकॉर्ड की कोर्ट की, कोर्ट के हैं फाइल वगैरह होते हैं तो जिसके पास कस्टडी है वो जो है कन्विक्शन या एक्विटल का दे सकता है कि कन्विक्शन हुआ था या एक्विटल हुआ था इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है दूसरा क्या है दूसरा तरीका है प्रूफ करने का कि इन केस ऑफ कन्विक्शन कन्विक्शन केस में ईदर बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय द ऑफिसर तो या तो सर्टिफिकेट साइन किया जाएगा ऑफिसर का कौन सा ऑफिसर जो इंचार्ज है जेल के इन पनिशमेंट और एनी पार्ट देयर ऑफ देर गॉन जो भी जेल जेल का के इंचार्ज थे पर पनिशमेंट काटी थी उस इंसान ने वो और वाई प्रोडक्शन ऑफ द ऑफ कमिटमेंट अंडर विच द पनिशमेंट वॉज सफर्ड या फिर प्रोडक्शन ऑफ वॉरेंट करेंगे ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटमेंट प्लस टूगेदर विद भी इसमें लिखा है इन ईच ऑफ सच केसेस एज

ठीक है तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेगमेंट पसंद आया होगा आई होप आप लोगों को सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो so मच